तो ये जो लिवर के चारों ओर रेड रेड कलर में जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये अपन टिश्यू में मैं पढ़ाऊंगा तुमको, है ना, अभी थोड़ा सा याद रख लेना। कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है इसके चारों ओर, लिवर के चारों ओर, है ना। इस लेयर को अपन बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये दरअसल करती क्या है, ये अपने लिवर को कवर करती है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अपने जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी अपने पास अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती रहती है। और हर जगह ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर और हर जगह अलग अलग टाइप की है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे यहाँ पर लिवर की बात करें तो लिवर के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को अपन क्या बोल रहे हैं भाई, ग्लिसन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको भाई, ग्लिसन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, अच्छा। लिवर के साथ मैंने तुमको एक और बताया था कि भाई ये जो लिवर है, लिवर के साथ एक और अपना ऑर्गन लगा रहता है जिसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, गॉल ब्लैडर। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि लिवर जो होता है, लिवर जो होता है वो किसका बना हुआ है, हेपेटिक सेल्स का बना हुआ है, हेपेटोसाइट्स का बना हुआ है। हेपेटोसाइट्स क्या करती है भाई, बाइल सीक्रेशन का काम करती है, बाइल जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ होता है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अच्छा, लिवर से दो डक्ट निकलती हैं, हर हेपेटिक लोब से, दोनों हेपेटिक लोब से दो डक्ट निकलती हैं। इन डक्ट को हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट्स। देख पा रहे हो भाई, इन डक्ट को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट जो है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट दोनों आपस में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, दोनों हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट है वो आपस में ज्वाइन हो जाती है। अच्छा, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और लिवर के दोनों लोब से जो डक्ट आ रही है उनको बोल रहे हैं हेपेटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में ज्वाइन होती हैं और ज्वाइन होकर के एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, सॉरी कॉम्बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, सॉरी हाँ, इसको बोलते हैं हम बाइल डक्ट। अच्छा, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है यहाँ पर, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है यहाँ पर भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई, मैं बता दूंगा दोबारा से। एक बार फिर से समझ लो, अपने जो लिवर है, लिवर के जो दोनों लोब्स हैं उन लोब से एक एक डक्ट आ रही है, इन डक्ट को बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। दोनों हेपेटिक डक्ट आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते, दोनों हेपेटिक डक्ट यहां पर मिल गई ना, ये देखो इस पॉइंट पे दोनों हेपेटिक डक्ट मिल गई, इस वाले पॉइंट पे दोनों हेपेटिक डक्ट मिल गई। तो जब दोनों हेपेटिक डक्ट मिल गई तो हमने इसको क्या बोला, कॉमन हेपेटिक डक्ट। दो हेपेटिक डक्ट मिलकर के एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई तो उसको हमने क्या बोला, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल गई तो उसको हमने क्या बोला, बाइल डक्ट। समझ में आया से, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई, पक्का कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो अभी अपना वो अपनी चीजें बची हुई है क्या भाई, बाइल में क्या, अच्छा बाइल का सिक्रेशन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे कि बाइल में क्या क्या होता है, बाइल जूस में क्या क्या होता है। इसके बाद अपन बात कर लेते पैनक्रियास की, और बात कर लेते अपन फटाफट से पैनक्रियास की और बात कर लेते हैं। तो देखो पैनक्रियास क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बताया तुमको, ये देखो ये पीछे की तरफ पैनक्रियास होता है, ये देखो कहाँ गया, ये देखो लीफ शेप स्ट्रक्चर होती है, ये पीछे की स्टमक के जस्ट पीछे की साइड है पैनक्रियास। ठीक है, आगे स्टमक है, पीछे की साइड क्या है, पैनक्रियास है। समझ रहे हो बात को भाई, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा तुमको, करके देखो। ठीक है, पीछे के, अच्छा सॉरी सॉरी, एक चीज और बता दूं तुमको, ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में अपना हो गया। एक पॉइंट और बचा हुआ है लिवर में, एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है लिवर में, हाँ लिवर में एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग वो जानते हो फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं, क्या तुम में से कोई ये जानता है फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं?
हाँ, तो क्या होती हैं जयेश? फैगोसाइटिक सेल्स। व्हाट आर फैगोसाइटिक सेल्स? बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं। देखो, फैगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो दूसरी सेल्स को खा जाए। फैगो का मतलब होता है खान, फैगो का मतलब होता है फीड करना, और साइट का मतलब होता है सेल। तो फैगोसाइट्स वो होती हैं जो दूसरी सेल्स के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, तो दूसरी सेल के ऊपर फीड करने का मतलब क्या है? जैसे अपनी बॉडी में सपोज कभी कोई कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रोब का इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रोब अपने अंदर आ गया, तो अपनी सेल्स क्या करती हैं, अपनी जो इम्यून सेल्स क्या करती हैं, वो उस बैक्टीरिया की सेल्स को खाने की कोशिश करती हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस कर देती हैं। ठीक है, उसको ही फेगोसाइटोसिस कर देती हैं, मतलब उसको खुद खा जाएंगी और खाने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर देंगी, उसको तोड़ देंगी। तो इसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो लिवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको अपन बोलते हैं, कुफर सेल्स। ये क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल्स इन लिवर। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स इन लिवर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। कुफर सेल्स क्या हैं? फेगोसाइटिक। देखो, अगर तुम लोगों को, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो लोड मत लेना, केवल इतनी चीजें याद रख लो। एक बार जब अपन ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद अपन शुरू से बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वहां से दोबारा से शुरू करेंगे, और उसके बाद एक बार इसका रिविजन फिर से करेंगे लास्ट में अपन। ठीक है, अभी केवल इतनी सी चीज समझ लो। ठीक है, कुफर सेल्स। अभी ये चैप्टर जो मैंने उठाया है वो तुम्हारा इंटरेस्ट बनाने के लिए उठाया है, तुमको पता चलेगा कि बायोलॉजी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और तुम लोग कर सकते हो, नीट की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो, और नीट के एग्जाम के लिए तुम अपीयर हो सकते हो। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर अभी मैंने तुम्हारे लिए उठाया है। देखो, आगे अपन बात करते हैं कि लिवर के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स बोलते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं भाई? फेगोसाइटिक सेल्स का मतलब वो सेल्स जो दूसरी सेल्स के ऊपर फीड करती हैं, दूसरी सेल्स को खा जाती हैं, उनको अपन बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल ईटिंग। लिख दूं यहां पे? क्लियर है? अभी समझ में आ गया सबको? देवेश, प्रेरणा, समझ गए? ठीक ओके, समझ गए? ओके, चलो तो फिर आगे बात करें। ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई किसी को अगर नहीं आता ना, वो साफ साफ बोल देता है कि सर नहीं आया। ये चीज मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है कि अगर समझ में नहीं आया तो मना कर दो, सर नहीं आया समझ में। चलो आगे देखें। ठीक है, इसके बाद मैं तुमको बता रहा था पैनक्रियास के बारे में। तो देखो, पैनक्रियास क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अपने अंदर। ठीक है, लीफ की शेप में ऐसे करके, लीफ जो होती है ना, लीफ पत्ती, पत्ती की फॉर्म में प्रेजेंट होता है अपने अंदर। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत बन गया। इस तरीके से प्रेजेंट रहता है अपने अंदर पैनक्रियास। ठीक है, बिल्कुल लीफ शेप में होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बीचों बीच ये जो चीज तुम देख रहे हो, ये पता है क्या है? ये होती है पैनक्रिएटिक डक्ट। इसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, अब ये जो पैनक्रिएटिक डक्ट जो रहती है, ये पैनक्रिएटिक डक्ट आगे जाकर के किसको ज्वाइन कर लेती है भाई? आगे जाकर के ये ज्वाइन कर लेती है बाइल डक्ट को। बाइल डक्ट ऊपर से आ रही है, ध्यान है? बाइल डक्ट बोलो जल्दी से, ध्यान है? बाइल डक्ट का ध्यान है कि नहीं है?
ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, ये अपनी बाइल डक्ट, ठीक है, ये क्या अपनी पैनक्रियाटिक डक्ट, ये तो लिखी थी मैंने, ये पूरी क्या पैनक्रियाटिक डक्ट अपनी, ठीक है। अच्छा, पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जहां एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, वहां उस डक्ट को अपन बोलने लग जाते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, समझ में आया? देखो शुरू से याद करते हैं, लिवर के दो लोब थे, तो लिवर के दोनों लोब से क्या हुआ भाई, हेपेटिक डक्ट आई, दोनों हेपेटिक डक्ट ने एक दूसरे को ज्वाइन किया, तो क्या बन गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन किया किसने, ज्वाइन किया भाई सिस्टिक डक्ट ने, तो वो क्या बन गई, बाइल डक्ट बन गई, ठीक है। बाइल डक्ट को किसने ज्वाइन किया भाई, कॉमन बाइल डक्ट बन गई, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बन गई ना भाई, कौन सी, कॉमन बाइल ही बनी थी ना, सॉरी बाइल डक्ट बन गई, ठीक है। बाइल डक्ट को किसने ज्वाइन किया भाई, बाइल डक्ट को ज्वाइन किया पैनक्रियाटिक डक्ट ने, बाइल डक्ट को किसने ज्वाइन किया भाई, पैनक्रियाटिक डक्ट ने, तो वो क्या बन गई भाई, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं तुमको, ये जो बाइल डक्ट है, इस बाइल डक्ट को अपन कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, याद हुआ भाई, याद हुआ। लिवर के दोनों लोब से एक एक डक्ट आई, उन डक्ट को क्या बोला अपन ने, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट एक दूसरे को ज्वाइन किया, हेपेटिक डक्ट जब ज्वाइन हो गई तो वो क्या बन गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट से क्या जुड़ी, सिस्टिक डक्ट आकर के, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आकर के जब जुड़ गई तो उसको अपन ने क्या बोला, बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट, ये रही भाई, कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट किससे जुड़ी, पैनक्रियाटिक डक्ट से, तो उसने क्या बना लिया, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसकी ओपनिंग कहां पर हो रही है भाई, डियोडेनम में, ठीक है, ये पार्ट क्या है भाई, डियोडेनम, डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है भाई, यहां पर दोनों दोनों डक्ट की ओपनिंग हो रही है, समझ में आया, जल्दी बोलो से यस और नो, ठीक है, जल्दी बोलो, पक्का। वॉट आर द इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट इन स्टमक, ओके, आस्था पूछ रही है कि वॉट आर द इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट इन स्टमक। आस्था एक बार में तो ये मतलब लिवर वाला, ये सॉरी, ये पेनक्रियाज और ये क्लियर करा दूं, उसके बाद फिर से अपन लिवर से जो डाइजेशन, सॉरी जो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एक बार वहां से अपन दोबारा से स्टमक से स्टार्ट करेंगे, और स्टमक से स्टार्ट करके ये सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने तुमको बाइल जूस के बारे में भी कुछ नहीं बताया है, ठीक है आस्था। यहां तक समझ में आया सबको, बोलो जल्दी से, पैनक्रियास क्या है, एक लीफ लाइक ग्लैंड है अपने पास, ठीक है, पैनक्रियास का एक लीफ लाइक ग्लैंड है। अब देखो एक चीज और बताता हूं तुमको, ये पैनक्रियाटिक डक्ट मैंने डबल बार लिख लिया, एक बार मिटा दूं, देखो ये जो पैनक्रियास होता है ना, पैनक्रियास में दो डक्ट होती हैं, पैनक्रियास में डक्ट होती हैं दो, कौन कौन सी डक्ट होती हैं वही पैनक्रियास में दो, कोई बताएगा, पैनक्रियाज में अपने पास दो तरीके की डक्ट, अच्छा पैनक्रियाटिक डक्ट, हाँ पैनक्रियाज में अपने पास दो तरीके की डक्ट हैं, कौन कौन सी डक्ट हैं भाई, किसी को पता है? हाँ भेजूंगा ना, ये सारे भेजूंगा मैं तुमको, डाइजेशन के, वैसे एक बात बताऊँ, तुम लोगों को मॉड्यूल्स मिले हैं क्या, तुम लोगों को मॉड्यूल्स मिले हैं जयेश, मॉड्यूल मिले हैं ना तुम लोगों को, मॉड्यूल में तुम देखना, मॉड्यूल में एक चैप्टर दिया तुम्हारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करके, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तुम लोगों। देखो डक्ट की बात कर रहे थे अपन, तो दो डक्ट होती है यहाँ पे, एक होती है डक्ट ऑफ विरसंग, विरसंग की स्पेलिंग चेक कर लू मैं, डक्ट ऑफ
विरसंग, एक तो होती है भाई डक्ट ऑफ विरसंग और एक होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। पैनक्रियाज में ये दो डक्ट होती हैं पैनक्रियाज के अंदर, एक होती है डक्ट ऑफ विरसंग और एक होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये तो होती है भाई नॉन फंक्शनल डक्ट। इसका कोई काम नहीं है, ये अकेली फंक्शनल डक्ट है। ठीक है, ये अकेली क्या है भाई, फंक्शनल डक्ट है। ठीक, यही फंक्शनल डक्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट। इसी फंक्शनल डक्ट को अपन ने क्या बोला है, पैनक्रिएटिक डक्ट। बात समझ में आई सबके, इसी फंक्शनल डक्ट को हमने क्या बोला है, पैनक्रिएटिक डक्ट। यही पैनक्रिएटिक, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैनक्रियास की फंक्शनल डक्ट कौन सी होती है, तो डक्ट ऑफ विरसंग, ये याद रखना है तुमको। ठीक है, इसी पैनक्रियास की ये फंक्शनल डक्ट कौन सी है, डक्ट ऑफ विरसंग। ये डक्ट ऑफ विरसंग को ही हमने पैनक्रिएटिक डक्ट बोला है। पैनक्रिएटिक डक्ट ही क्या करेगी, कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करके क्या बनाएगी भाई, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, समझ में आया, जल्दी बोलो से यस और नो सभी बच्चे। जयेश, ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि जो चीज नॉन फंक्शनल हो वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट ही ना हो। जैसे अपन बात करें, मैंने तुमको बताया था उसकी बात बताई थी, अपेंडिक्स की बात मैंने बताई थी तुमको। अपेंडिक्स भी अपनी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है लेकिन प्रेजेंट तो है। ये सब इसलिए है क्योंकि भाई या तो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये फंक्शनल हुआ करते थे, या फिर अपने पूर्वजों में ये फंक्शनल थे और ये उनमें वेस्टिजियल हो गए, मतलब धीरे धीरे करके अपना उनसे डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट होते होते क्या हुआ, ये अपने में नॉन फंक्शनल हो गए, पर ये एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अपने अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखो यहां पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर लगा होता है, इधर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, यार कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, व्हाइट ही दिखेगा, व्हाइट भी नहीं दिख रहा यार, हाईलाइट का क्या चक्कर है। ये दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा हो तो फिर मैं, छोड़ो ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये अब तो दिख रहा होगा है ना, यहां पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, इधर एक छोटा सा स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं भाई, यहां पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, पूछा जाता है ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडाई की स्पेलिंग सी। ठीक है, ओडाई की स्पेलिंग हाँ गलत है भाई, ओ डबल डी आई होती है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, ये स्फिंक्टर कहां पे मौजूद है भाई, ये स्फिंक्टर हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग पर मौजूद है। यहां पर ये हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है डियोडिनम को ज्वाइन करती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, से यस और नो। बोलो जल्दी से, एक बार देख लो इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम मैं तुमको देता हूं, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। हाँ, मेरा गला सूख गया है। कोई दिक्कत,
नहीं है। चलो अब देखो आस्था के क्वेश्चन पे आते हैं। आस्था ने पूछा था ना, आस्था तूने ही पूछा था ना इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। वेयर इज आस्था? आस्था हाँ, तो देखो मैंने तुमको बताया। अच्छा एक चीज बताओ, एससीएल कौन सी सेल सिक्रेट करती है स्टमक के अंदर? एससीएल सिक्रेटिंग सेल्स कौन सी है, नाम बताया था ना मैंने? आस्था ही बताएगी। आस्था जल्दी बता। जल्दी बता आस्था, कौन सी सेल्स थी वो? एससीएल, बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सेंट्रिक सेल या पेराइटल सेल्स, बिल्कुल सही है, ऑक्सेंट्रिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। तो ऑक्सेंट्रिक सेल और पेराइटल सेल्स जो होती हैं वो केवल केवल और केवल एससीएल सीक्रेट नहीं करती, वो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट कर दी उन्होंने, है ना, कोई अदर टाइप की प्रोटीन सीक्रेट कर दी, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये इंट्रिंसिक फैक्टर काम क्या करते हैं, अपने स्टमक में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी होता है। आर स्टमक एब्जॉर्ब्स विटामिन B12। अब तुम इतना डिटेल में पूछा है तो मैं बता ही देता हूं। कहाँ गया अपना स्टमक? देखो अपना ये जो स्टमक है, इस स्टमक में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी होता है भाई। विटामिन B12 कहाँ गई वो अपनी सेल्स जो मैंने बताई थी तुमको? सेल्स किधर लिखी थी? ये रही, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, पेराइटल सेल्स। हाँ, एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको अपन ग्लाइको प्रोटीन्स बोलते हैं। ये करते क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर करते क्या है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लिख दूं कहीं, कहां लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते क्या है भाई? ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। ये करते क्या है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्लियर है अब आस्था? क्लियर है? बोलो जल्दी से, ये चीज क्लियर है क्या आस्था? ओके चलो आगे चलते। ठीक है, तो देखो अपन ना डाइजेशन इन स्टमक तक हो गया। अच्छा अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते जाओ तुम लोग। ठीक है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं भाई मेरे नोट्स में, उन क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, आज फिर यहाँ का, आज का चैप्टर अपन फिर यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे अगर तुम आंसर सही देते हो तो। ठीक है चलो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे। अच्छा देखो ऑप्शन में लिखूंगा, आंसर तुम सही सही से देना। देखो अपना स्टमक जो है, स्टमक हैज थ्री पोर्शंस, इन विच पोर्शन ऑफ द स्टमक डज द ईसोफेगस ओपन? पहला क्वेश्चन, अपने स्टमक में तीन पोर्शन होते हैं, अपने स्टमक के किस पोर्शन में ईसोफेगस जो है ओपन होता है ना? ऑप्शंस लिखूं या ये तो वैसे ही बता दोगे? कार्डियक पार्ट में। एग्जैक्टली कार्डियक पार्ट में, सबका सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज, बताओ जल्दी से, डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज? बताओ जल्दी से, अभी अभी तो बताया। डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट, कॉमन वाइल्ड बाइल डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट भाई, हिमांशु गलत है भाई, सिस्टिक डक्ट बिल्कुल सही, सिस्टिक डक्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड?
किस लेयर में स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड रहती हैं? ऑप्शंस लिखता हूं, पहला ऑप्शन है सिरोसा, दूसरा ऑप्शन है मॉस्कुलरिस, तीसरा ऑप्शन है सब म्यूकोसा और चौथा ऑप्शन है म्यूकोसा। बताओ फटाफट से। ओके, आस्था का आंसर बिल्कुल सही है, चेतना का भी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, तुम लोग सीख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी दो ही बच्चों के, तीन बच्चों के आंसर आए हैं, आस्था, चेतना और अदिति। इसके अलावा किसी का आंसर नहीं आया, मतलब बाकी लोगों को शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, म्यूकोसा लेयर में, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में। ओके, आगे की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, अभी दो तीन ये क्वेश्चन पढ़े अपन ने, इतने काफी हैं, इसके बाद अपन आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी, है ना, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन। तो अपन ने पैनक्रियाज और लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, पैनक्रियाज और लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। व्हाट आर द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर? व्हाट डू वी कॉल द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर? लिवर की फेगोसाइटिक सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? अभी अभी पढ़ाया है। कुफर सेल्स, बिल्कुल सही है, कुफर सेल्स। सेजल ईटिंग सेल नहीं बोलते उनको, कुफर सेल्स नाम है उनका। ईटिंग ईटिंग सेल तो फंक्शन है उनका, सेल ईटिंग इज फंक्शन, फेगोसाइटिक सेल का फंक्शन होता है, कुफर सेल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे अपन बात कर लेते हैं। अब मैं तुमको थोड़ा सा आगे बाइल के बारे में बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा अपन बाइल के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ बाइल। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, लिवर का फंक्शन क्या था भाई? बाइल जूस सीक्रेट करना, है ना। बाइल जूस का कंपोजिशन क्या क्या है? देखो, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स के अलावा और इसके अंदर क्या होता है भाई, बोलो जल्दी से। बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, पहले बाइल पिगमेंट्स की अपन बात कर लें, दूसरी चीजें तो इतनी जरूरी भी नहीं है। बाइल पिगमेंट्स, ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं, ये बाइल पिगमेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनके अंदर बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिंग। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिंग। बिलीरुबिन होता है येलो कलर का और ये होता है भाई ग्रेइश येलो, ग्रीनिश येलो मान लो। ठीक है, अपना जो स्टूल होता है जब अपन डिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, जब अपन डिफिकेशन करते हैं तो जो ह्यूमन का फीकस जो होता है, जो ह्यूमन का ही क्यों, मैमल्स में किसी का भी लो, तुम जैसे गाय भैंस वगैरह की बात करो तो काउ डंग को भी देखोगे तो वो ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का भाई। वो ग्रीनिश कलर का क्यों होता है? इस बिलीवर्डिन की वजह से। ठीक है, बिलीवर्डिन जो है स्टूल को कलर प्रोवाइड कराता है, डंग को कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्योंकि ये भाई डिफिकेशन में निकलते हैं ये पिगमेंट्स। ठीक है, तो जो स्टूल का जो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, ग्रीनिश येलो कलर का जो भी कलर होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा अपन बात करते हैं और क्या क्या होता है। अच्छा, और क्या क्या होता है, उसको बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये करते क्या है, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन ये करते क्या है ना, स्पेशली बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का भी उतना रोल नहीं है, स्पेशली बिलीवर्डिन जो है ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, तुम लोग पूछोगे कि सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है, जैसे सपोज ये एक फैट का, एक मिनट कहाँ गई स्लाइड, देखो जैसे ये एक फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, अपन ने भाई खाया कुछ तो बड़ा मॉलिक्यूल अपन ने फैट 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 का ले लिया, ठीक है, जैसे अपन ने ऑयल खाया तो ऑयल के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जैसे अपन घी वगैरह खाते हैं या सेचुरेटेड फैटी एसिड्स अपन खा लेते हैं भाई, ठीक है, कई बार अपन खा लेते हैं सच, पिज्जा वगैरह खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है, ठीक है, तो ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, अच्छा फैट के ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं भाई, तुम क्या करना कि भाई एक काम करना, आज वाटर एक बाउल लेना, उसमें पानी लेना, एक कटोरी में पानी लेना, उस पानी में ऑयल डालना, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल लेकर के एक चम्मच से ऑयल ऐसे डाल देना, तो उस पानी के अंदर तुमको ऑयल ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, बड़ा सा ग्लोब्यूल तैरता हुआ दिखेगा तुम्हें पानी में, ठीक है, एक बड़ा सा ऑयल का एक पूरा बड़ा सा पार्टिकल उसमें पानी में तुमको तैरते हुए दिखेगा, पानी में वो जो ऑयल का पार्टिकल जो तैर रहा है ना, उसी को अपन बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल, ठीक है, बड़ा सा वो जो अपने को दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल, उसके बाद क्या करना, तुम उसको हिलाना या चम्मच से ऐसे करके मारना, तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा ऐसे करके यूं, देखो वाटर और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते, तुम कितनी भी कोशिश करो उनको मिक्स करने की, वो मिक्स नहीं होते, ऑयल हमेशा पानी में तैरता रहेगा, ठीक है, ये पहले बड़ा मॉलिक्यूल था, बड़ा ग्लोब्यूल था, बड़ा ग्लोब्यूल था ये लार्ज ग्लोब्यूल था, अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स हो गए, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हो गए, तो जो बिलीबर्डिन जो है, बिलीबर्डिन और कुछ वाइल सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं, ये मिलकर के इस बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, उससे क्या फायदा होगा भाई, उससे फायदा ये होगा कि इनका सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, अब इनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है, अब इनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा, इसी को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, इमल्सिफिकेशन अपन इसी को बोलते हैं, अब इमल्सन क्या होता है भाई, इमल्सन एक तरीके का सॉल्यूशन है, इमल्सन जो मैंने तुमको बताया भाई, आप लोग कभी भी कोशिश करोगे तो ऑयल और वाटर को आप मिक्स नहीं कर सकते, है ना, वाटर में ऑयल जो है हमेशा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में तैरते हुए, या तो बड़ी ड्रॉपलेट के रूप में या फिर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में अपने को तैरते हुए ही दिखेगा, ठीक है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स के रूप में जो तैर रहा है, जो ऑयल तैर रहा है उसके ऊपर, वाटर के ऊपर, तो उस वाटर और ऑयल के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, इमल्सन, ठीक है, इमल्सन इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फैट, लिख दूं यहां पर, ठीक है, इमल्सन क्या है भाई, इज इक्वल टू इमल्सन, इमल्सन क्या है, इमल्सन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, इमल्सन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच कंटेन्स वाटर एंड फैट, है ना, वाटर एंड फैट आपस में एक दूसरे में कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, समझ में आया, बोलो जल्दी से सभी लोग, से यस और नो, यहां तक समझ में आया, हाँ ना करते रहा करो यार, ओके चलो आगे देखें, अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन फटाफट से पैनक्रियाटिक जूस में क्या, अच्छा और क्या क्या चीजें होती हैं बाइल जूस में, वो तो रह गई ना अपनी, बाइल जूस में और क्या क्या होता है भाई, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के अलावा और, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ तुमको, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जैसे अपना LFT होती है, लिवर फंक्शनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, जब भी अपने कोई इनडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है अपने को, तो डॉक्टर लिवर फंक्शनैलिटी टेस्ट भी कराते हैं कई बार, LFT बोलते हैं, लिवर फंक्शनैलिटी टेस्ट, तो लिवर फंक्शनैलिटी टेस्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज तुम कुछ उल्टा सीधा, जैसे तुमको फूड पॉइजनिंग हो जाए, सॉरी किसी को हो ना, भगवान ना करे किसी को हो, सपोज किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो डॉक्टर क्या करता है कि LFT कराता है, अगर LFT में बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन पिगमेंट जो है उसके लेवल बढ़े हुए आते हैं, नॉर्मल से हाई लेवल आते हैं, तो डॉक्टर देख करके बता देता है कि ये आदमी जरूर है ना ड्रिंकिंग करता होगा, ये आदमी जरूर शराब पीता होगा, क्योंकि भाई जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उनके अंदर बिलीवर्डिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, इंक्रीज आता है, तो उससे पता पड़ जाता है LFT से,
ठीक है, खैर वो सब आगे की बात है, अपन और आगे बात करेंगे। उसके अलावा और क्या क्या होता है भाई यहाँ पे अपने पास बाइल के अंदर, और क्या क्या होता है बाइल जूस के अंदर? बिलीरुबिन, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जहां भी प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, पीएच मेंटेन का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है भाई इसमें, सॉल्ट्स होंगे कुछ, सॉल्ट्स है इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भाई क्या कर रहे हैं भाई, इमल्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं। सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं भाई, पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। पीएच मेंटेन की बात आई है तो भाई बाइल जूस की पीएच होती कितनी है, कोई बताएगा? बाइल जूस की पीएच कितनी होती है भाई, पीएच ऑफ बाइल जूस? सेवन पॉइंट थ्री या 7.4 पीएच रहती। हाँ, 7.2 से 7.4 के बीच में वेरी करते, बिल्कुल सही बात है। वही स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है। अपन 7.3 मार्क कंसीडर कर ले, 7.3 के लगभग, 7.3 7.4 के लगभग इसका पीएच होता है, ठीक है। अच्छा, बाइल जूस और क्या करेगा? जब बाइल जूस, देखो स्टमक से कैसा फूड आ रहा है भाई, स्टमक से आने वाले फूड को अपन क्या बोलते हैं भाई, उसका नेचर कैसा है, जल्दी बोलो। स्टमक से जो फूड आ रहा है उसका नेचर कैसा है, स्टमक से जो फूड आ रहा है इंटेस्टाइन में उसका नेचर कैसा है, एसिडिक, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, काइम बोलते हैं, काइम बोलते हैं ना भाई। काइम के साथ अब ये बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस जो है काइम के साथ मिक्स होगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी एसिडिटी को खत्म कर देगा, ठीक है। काइम होता है वो, काइम होता है। अब क्या करेगा, देखो बाइल जूस क्या करेगा, काइम है, काइम के साथ बाइल जूस मिलेगा और क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, स्टमक से आने वाले फूड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है वो एसिडिक है, एसिड और बेस मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सही से लिख देता हूँ, सेवन पॉइंट फोर, ठीक है, 7.3 या 7.4 मार्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, ये बेसिक है, ये क्या करेगा, एसिडिक भाई, कायम है भाई, एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक,